पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक बिहार के अब हॉट सीटों की बात करेंगे, जहां पर माहौल बदल रहा है, जहां पर रुझान चौंकाने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे बिहार के भागलपुर से। देखिए, भागलपुर में जेडीयू के अजय मंडल पीछे हो चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा रुझान में आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा आगे चल रहे हैं, सुबह के 10 बजे तक के ये रुझान आपको बता रहे हैं। भागलपुर में मतों का गन्ना जारी है, इस बीच जेडीयू के अजय मंडल पीछे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर है, जेडीयू के मुजाहिद आलम पिछड़ चुके हैं किशनगंज में, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद आगे चल रहे हैं। देखिए, ये दो सीट जहां पर कांग्रेस को बिहार में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, हालांकि नतीजे जो हैं वो अब से कुछ ही देरों के बाद जो है लगभग 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कौन हार रहा कौन जीत रहा, लेकिन जो रुझान है वो चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस ने बिहार में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, दो सीटों पर कांग्रेस अब तक आ गए। लेकिन अब बात कर लेंगे सीधे पूर्णिया की। देखिए, पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पीछे हो चुके हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप कूद रहे हैं। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पीछे हो चुके हैं, जेडीयू के संतोष कुशवाहा आगे हैं। देखिए, जेडीयू के संतोष कुशवाहा आगे चल रहे हैं, हॉट सीट बिहार का पूर्णिया। लेकिन एक और हॉट सीट उजियारपुर में, देखिए उजियारपुर में आरजेडी के आलोक कुमार मेहता आगे चल रहे हैं, उजियारपुर में। और यहां पर आलोक मेहता से पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बीजेपी के कैंडिडेट नित्यानंद राय। देखिए, नित्यानंद राय उजियारपुर में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे एक और दिलचस्प बात यह है कि सासाराम में कांग्रेस के मनोज कुमार आगे चल रहे हैं, देखिए सासाराम से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज कुमार आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए सासाराम के बाद अगर बात करें हम पवन सिंह की, देखिए पवन सिंह ने फिर से बढ़त बना ली है, पवन सिंह की बात कर रहे हैं। काराकाट संसदीय सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला, और पवन सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, पवन सिंह आगे चल रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट पर। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है काराकाट को लेकर। देखिए, नवादा में एनडीए आगे चल रही है, दरभंगा में, पहले राउंड की गिनती में बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं, आरा में पोस्टल बैलेट की गिनती में आर के सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन ये दिलचस्प ये है, कि यहाँ पर कई बड़े नेता पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुमार महतो पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के दीपक यादव आगे चल रहे हैं, वाल्मीकि नगर से बड़ी खबर। दूसरी ओर एक और बड़ा झटका जो है वो आप कह सकते हैं सीतामढ़ी में, आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं अर्जुन राय, जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए गोपालगंज की, तो जेडीयू के आलोक सुमन आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, आगे हैं। वीआईपी के प्रेम चंचल पासवान पीछे हैं। लगातार एक एक नतीजे आपको हम दे रहे हैं, आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।